चलो। जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी सुबह के 4 बज रखे हैं और ये देखिए सामने घड़ी में आपको टाइम दिखा रही हूँ, सुबह के 4 बज रखे हैं और ऑस्कर का टाइम हो गया नीचे जाने का। ठीक है, तो ऑस्कर को नीचे ले आई हूँ और कुछ रोटियाँ ला रखी हूँ रात की, क्योंकि ये हमारे नीचे बहुत सारे डॉगी हैं बेचारे, ये देखते रहते हैं कि कब खाना लाएंगी, कब हमें देंगी, तो ये 4 बजे का मेरा इंतज़ार करते हैं। जैसे ही मैं ऑस्कर को लाती हूँ तो ये यहाँ पे खड़े ही मिलते हैं, फिर मैं इन्हें रोटी डाल देती हूँ। तो 4 बजे से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आप लोग के साथ। आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले गए पापा जी, जा बाबी। ये देखो भाई ड्यूटी जा रहे, लंच वंच सब रख लिया ना, पैक पानी की बॉटल रख ली, और ऐसे ही शाम को आएंगे। चलो ये देखो, ये जाने ही नहीं देता, जल्दी पकड़ इसको, पहले खुद चला जाएगा। चलो ऐसे चलो, आओ पकड़ ले इसको। बाय बेटा, अंदर को करो गेट। मैं चलो वहां से देखो, दीदी को वहां से देखो। हाँ चलो 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 चलो, आ रही हूँ मैं। चलो जब तक एक जना साथ में चलेगा चलेगा। ये देखो देखो पापा जी, देख पापा जी, चल 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 देख। देखो यहाँ से फिर इसने देखना, ठहरा नीचे देखो। हाँ हाँ वो दे, दीदी भी गई बालकनी में से, देखेगा फिर और जाने नहीं देगा, इतना जिद करता है छोटे बच्चों की तरह। दीदी बोल रही है, और ये दीदी देखो बाय बाय बोल रही है। जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। 11 बज गए करेक्ट 11 घड़ी में, और बच्चे अग्रह सब जा चुके हैं ड्यूटी अग्रह। अब मैं दरबार जा रही हूँ, आज है बुधवार और डेट है आज 31, है ना, आज महीना जा रहा है। तो चलो दरबार चलते हैं, 13 दिन का दरबार लग रहा है। कल से मूड बहुत ख़राब है दरबार में, आपने मेरा उत्तराखंड वाला ब्लॉग जो है देखा होगा, गोल्डी जो दरबार में रहता है उसका क्या हाल कर रखा है। तो अभी फटाफट उसके लिए खाना लेके जा रही हूँ, दवाई अगर भी देनी है उसको, पता नहीं क्या हाल हो रखा होगा उस बच्चे का। दरबार में जाके पूजा पाठ भी करनी है, भोग प्रसादी जो मैं रोज़ का माँ को लगाती हूँ, और उसके बाद दरबार लगेगा। तो 13 दिन तक रोज़ लग रहा है, मतलब आज तो कल से 13 दिन तक का था और आज से 12 दिन, क्योंकि कल मंगलवार से था ना 13 दिन का। तो चलो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सिंपल सा ये कॉटन का सूट डाला है, ये भी मेरे किसी बच्चों ने मुझे दिया था ग्रुप में पे, बहुत ही अच्छा है। वैसे तो दरबार में थोड़ा ऐसा पहनना पड़ता है ना माता रानी को, थोड़ा चटकिला सा, लेकिन वैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जो जैसा कि मुझे पसंद है वैसा सूट है ये, और गर्मी इतनी है तो उस मामले में ये बहुत ही बेस्ट सूट है। ये मैंने पहन लिया आज, क्योंकि ज़्यादा कुछ पहनने को मन नहीं कर रहा भाई, गर्मी से तो बुरी हालत हो रही है दिल्ली में तो खासकर। तो चलो फटाफट चलते हैं दरबार में। तो दरबार में मैं पहुंच चुकी थी और स्कूटी में आई थी, तो एक मिनट लगता है, फटाफट से आई। पूजा पाठ हो चुकी है, 11:30 से ज़्यादा हो गए, और ये देखो गर्मी से बस बुरे हालत, सारा टीका वगैरह जहाँ यहाँ वहाँ सब बिखर रहा है। तो बस अभी जस्ट अभी उठी हूँ पूजा पाठ में से,
और अभी दरबार में कोई नहीं आया क्योंकि सुमन गई है स्कूल, वो स्कूल से आती है 12:30 बजे और वो भी कावड़ लेने गई है, अभी तक आई नहीं है। तो सुमन थोड़ी देर में आएगी, बाकी के बच्चे भी जो भी आते हैं दरबार में ये 2-4 अब आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, कल तो मुझे ऐसे ही हो जाता है कभी 11 कभी 11:30, तो आज मैं 11 बजे यहाँ पहुँच गई थी। आधा घंटे में मेरा हो गया है पूजा पाठ, ठीक है। तो चलो अब इंतज़ार करती हूँ बच्चों का और थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठ के ध्यान लगाती हूँ क्योंकि पूजा तो हो गई है, तो अभी कोई नहीं है तो आराम से ध्यान लगाने में जो है मतलब ध्यान जो है अच्छे से लगेगा क्योंकि हमेशा कुछ कोई ना कोई आ जाता है। आज मैं अकेले हूँ और एकांत में अच्छा मन लगता है। और गोल्डिया आया नहीं है, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ गया। इधर वो दरबार में पहले रहता था, अब यहाँ भी नहीं रह रहा, पता नहीं क्या पता लोग मार देते हैं कुत्तों को, कोई बैठने नहीं देता। यहाँ पहले बैठा रहता था, अब वो यहाँ भी नहीं रहा, अभी आएगा थोड़ी देर में। लेकिन उसे पता है मंगल और शनिवार, देखो ऐसे होते हैं जानवर भी, मंगल शनिवार उसे पता रहता कि ये 2 दिन आते हैं, ठीक उस दिन वो दरबार में ही मुझे मिलता है। और आज वो नहीं आया है, अभी देखती हूँ थोड़ी देर में, वो समझ जाता है थोड़ी देर में, देख लेना वो इधर उधर से कहीं से आ जाएगा, फिर देखूंगी उसे। पता नहीं उसका घाव कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, तो मैं उसके लिए खाना भी ला रखी हूँ, फूड ला रखी हूँ आज। और क्योंकि दूध ही पीता है वो, बहुत दूध पीता है, रोटी सब्जी भी छोड़ देता है, तो दवाई दूंगी फूड के साथ मिला के। कौन सा स्टैंड? अरे वो माइक रखने वाले। तो राधा के होंगे शायद, मेरे में लेके आया था किसी के, कोई जो भिजे वाले हैं उनके लेके आया था किसी कैसे बैठी है। देखो भैया आज दरबार अभी तक लगा नहीं क्योंकि भक्त अभी आए नहीं है कुछ, आएंगे जब भी हम बैठेंगे। अभी गोल्डी को ले जाने की तैयारी हो रही है, रखा है फोकस में, हाँ चर्चा में, अब क्या ही करे। सेम प्राप्त कर लिया उसको। अभी टाइम कितना हो गया? पता नहीं 1 बजे होगा। 2 है, 1 कब का बज गया? 2 बजने वाले हैं जी, हम कब से बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, गोल्डी को ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। और हमने गाड़ी का इंतजाम कर दिया, सामने जो ये रहते हैं देखते हैं गोल्डी को, उनका बेटा कह रहा है गाड़ी लेके जाऊंगा, साथ में ये जाएंगे, उसको दिखा के लाना पड़ेगा क्योंकि उसके पड़ गए पीछे कीड़े। मुझे लगा था कल चोट लगी, कल नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि पहले लग गए, 2-3 दिन पहले किसी ने चाकू से मारा है उसको। और मेरी बेटी जा रही है टीसा, इलाज करना जोड़िए क्योंकि उसके ना टाँके लगेंगे, इतना फाड़ रखा है। तो आज तो मन भी नहीं कर रहा है, ना हम गद्दी पे बैठे हैं ना कुछ हो रहा है, गोल्डी की ही चर्चा चल रही है। तो जिसने भी किया बहुत अच्छा किया, सावन के महीने में जा रहा होगा जल चढ़ाने हैं भोले बप्पा को, और वहाँ कुत्ते के पीछे पूरा चाकू से काट दिया, जाना पड़ा डॉक्टर के पास, पैसे भी लगेंगे, बेचारे को दर्द भी हो रहा है। पैसा तो कोई बात नहीं लगा, कुछ नहीं, पैसे की चिंता नहीं है हमें इतनी, पर बच्चे को जो परेशानी हो रही है उसका क्या होगा, इतना किरा रहा है वो बेचारा, उसको दवाई डाल रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं और कीड़े पड़ गए हैं उसके, बताओ। और चाकू से काट रखा है किसी हराम खोर ने, ऐसी चाकू से उसके भी कटेगा तभी पता चलेगा। आ गए वो दीदी, हो गया तैयार उनका बेटा, गाड़ी ले जा, गाड़ी में भेज रहे हैं गोल्डी को हम, और दिखा के उसके पहले कीड़े निकालने पड़ेंगे, साफ करना पड़ेगा। हम पहले घर पे उसको दवाई वाई दे रहे थे लेकिन घर पे नहीं हो पाएगा, दवाई से उसके कीड़े निकलवाने पड़ेंगे, फिर टाके लगवाने पड़ेंगे। हाँ चाकू मार रखा है, देखो दीदी भी बोले थी चाकू मार रखा है ना, वो बिल्कुल सीधी धार है, एकदम सीधा लगा हुआ है ऐसे करके, बताओ कोई मारा है, लड़ाई बढ़ाएंगे, पहले तो मैं समझी लड़ाई हुई नहीं हुई। तो अगर ये भी मार था कल की ना, कुत्ते ने मारा है ना, ना। कुत्ता अगर काटता तो नाखून नाखून के अलग निशान होते हैं, वो तो कट जाएगा, कट है ऐसे होगा, पूरा ऊपर नीचे होगा, वो ऐसे है बिल्कुल सीधा निशान है। चलो कोई नहीं, वो किसी धार धार गोल्डी ढीला नहीं होगा, वो इतना बड़ा घाव होगा उसे, इतनी कमजोरी होगी आराम कोर को ऐसी लगेगी, कभी भला नहीं होगा इसका। तो थोड़ा हट पर है।
जाओ आगे जाओ ये देखो मेरा बच्चा हाय रे मेरे बाबू मेरे छोना मेरे बाबू मेरे छोना मतलब बाबू क्या चलो बैठ बैठ आई बैठने दे भाई। तो भाई शाम के 6:30 हो गए हैं, दरबार में से आ चुकी हूँ। आज आए नहीं थे, 2-4 लोग ही आए क्योंकि पता नहीं है, वैसे तो मैंने डाल रखा है कि रोज़ दरबार लग रहा है, पर मेरी तो साधना है रोज़ तो मुझे दरबार जाना ही है और चौकी लगानी है। पर सारा दिन आज गोल्डी को ले गए थे, वहाँ से ला के फिर उसको दरबार में ही सुलाया। अभी उसे वहाँ पे पड़ोस में है कोई एक लेडीज बहुत अच्छी है, वो उसका ध्यान रखते हैं, उनके पास रख के आए हैं पंखा वंखा लगा के, क्योंकि ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं लेट आई हूँ। वहीं बैठी थी उसके पास, छोड़ने को मन नहीं कर रहा था, मूड ही ख़राब हो गया आज। और 2-4 आए थे दरबार में, वो मैंने देखे, उसके बाद फिर ऐसे ही गया पूरा दिन गोल्डी के चक्कर में। और अब कल फिर दरबार लगेगा और ब्लॉग अभी डालूँगी थोड़ी देर में एडिट करके, घर आ गई हूँ। तो आप लोग जो भी दरबार आना चाहते हैं आए, क्योंकि अभी दरबार रोज़ लगेगा, ठीक है, फिर वही शनिवार मंगलवार लगेगा भाई, क्योंकि अभी मेरी साधना चल रही है तो मुझे बैठना जरूरी है। तो मैं 3-4 घंटा बैठी थी, 4-5 लोग आए थे बस, बाकी फिर मैं थोड़ा देर बैठ के उठ गई थी, फिर गोल्डी की दवाई पानी करी, डॉक्टर के पास से दिखा के लाए थे, बच्चे दिखा के ले आए थे उसे, उसके बाद हमने उसको अंदर ही आराम कराया था दरबार में। और अभी मैं उनको उसे गोल्डी को किसी और के हवाले करके आई हूँ, कल सुबह जाऊँगी फिर से उसे डॉक्टर के पास, उनका बेटा है वो ले जाएगा, और साथ में ये रिचा अग्रह को भेज दूँगी, तो उसकी दवाई पट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना बहुत दिनों से उसे घाव बहुत दिनों का है, बल वो मुझे तो कल पता चला, देखा नहीं हमने, तो कीड़े हो गए थे उसमें, तो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए 2, और कल वो कहते कि कल फिर लाना पड़ेगा, कल दवाई डाल के निकालेंगे वो। तो चलो आज मूड ऐसे ही चल रहा है, अपना पूजा पाठ करती हूँ, अब थोड़ी देर में 6:30 हो गए हैं, नहाती धोती हूँ, खाना खाऊंगी, फिर मेरी साधना होती है रात की 2-3 घंटा, वो करूँगी अपना ब्लॉग एडिट करके डालूँगी, फिर कल आपको फिर मिलूँगी, ठीक है। सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।